जनपद संभल के चंदोसी में प्रबुद्ध सभा में सम्मिलित होने पहुंचे सपा के मनोज पांडे का बड़ा बयान, हाथरस पीड़िता के दाह संस्कार से सरकार का मानवता विहीन चेहरा सामने आया। जनपद संभल के चंदोसी में आवास विकास कॉलोनी में स्थित यशोदा कृष्ण धर्मशाला में आयोजित समाजवादी पार्टी की प्रबुद्ध सभा में सम्मिलित होने आए रायबरेली की उचहाट सीट से सपा के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने प्रेस वार्ता में बड़ा बयान देते हुए हाथरस घटना पर कहा कि जो लोग हिंदू सभ्यता और संस्कृति का ठेका लेने की बात करते थे, उनका सच हाथरस पीड़िता के अंतिम संस्कार से सामने आ गया, जिसके अंतिम संस्कार के कर्मकांड भी नहीं करने दिए गए, जिससे सरकार का कुरूप भयावह और मानवता विहीन चेहरा लोगों के सामने आ गया। सरकार बनी एक दौर शुरू हुआ कि पिछड़ी जात के लोगों की रोज हत्याएं, उनके साथ इनकाउंटर, झूठे मुकदमे में जेल भेजा जाना, फिर एक दौर आया उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय का। आज हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अब ब्राह्मणों के साथ अन्याय, अत्याचार और हत्याएं हो रही हैं, आज पूरे प्रदेश का 15% ब्राह्मण आज चिंतित है, भयभीत है। अगर आप देखें श्रृंखलाबद्ध तरीके से झांसी में एक परिवार के 5 लोगों की ब्राह्मण समाज में हत्या कर दी गई, प्रयागराज में एक परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई, पीलीभीत में एक परिवार के 3 लोगों की एक साथ हत्या कर दी गई। और मेरा केवल ये घटनाओं पर नहीं कहना है, आज जिस तरीके से अगर आप देखें कि महोबा में अभी एक क्रेशर व्यापारी जिसकी उम्र 70 वर्ष थी, 3 दिन पहले उन्होंने अपनी जान की भीख वहाँ के पुलिस अधीक्षक से मांगी, पुलिस अधीक्षक ने उनसे पैसे की मांग किया और ये वीडियो वायरल हुआ और उन्होंने आरोप लगाया कि यदि मेरी हत्या हो जाती है तो यहाँ SSP का हाथ माना जाए, और दूसरे दिन उनकी हत्या हो जाती है। हत्याएं पर हत्याएं हो रही हैं लगातार, और उत्तर प्रदेश की सरकार लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है। जिस तरीके से डेमोक्रेसी पर आज विधायकों को जाने से रोका जा रहा, जब महोबा में हम और हमारे साथ हमारे रिश्ता में 4 विधायकों का प्रतिनिधि मंडल जब जा रहा था महोबा में, हम उनके संवेदना प्रकट करने जा रहे थे, उनके आंखों के आंसू पोंछने जा रहे थे, उनके परिजनों के साथ न्याय के लिए खड़ा होना चाहते थे, तो हम लोगों को कानपुर गिरफ्तार कर लिया गया। मैं जब सीतापुर जा रहा था चौटरिया बॉर्डर पर यही स्थिति हुई कि वहाँ पर एक कमलेश्वर मिश्रा नाम के एक प्रवक्ता जिनकी उम्र 68 साल थी, रिटायरमेंट हो चुका था उनका, मंदिर में चाकुओं से भोग करके अराजक तत्वों ने हत्या कर दिया। जब उनको संवेदना प्रकट करने गए तो वहाँ पर भी गिरफ्तारी की गई, झांसी में भी इसी तरह गिरफ्तारी की गई। एक तरफ घटनाएं हो रही और घटनाओं को सरकार रोक नहीं पा रही, दूसरी तरफ ब्राह्मणों की आवाज़ को दबाना चाहती है और संवेदना नहीं प्रकट करने देना चाहती है। तो आज हम कह सकते हैं कि आज उत्तर प्रदेश का ये प्रबुद्ध समाज आज ये स्वीकार कर चुका है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ही उत्तर प्रदेश के एक ऐसे नेता हैं जो सभी जात वर्ग और धर्म के लोगों को साथ लेकर के चल सकते हैं। और जहाँ तक सवाल है ब्राह्मणों का, तो परशुराम जयंती का अवकाश घोषित करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, वर्तमान सरकार ने उसे बंद कर दिया। 27,000 संस्कृत के शिक्षक जो केवल ब्राह्मण थे, उन विद्यालयों को अनुदानित करने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया। और मुझे सौभाग्य मिला कि कृषि मंत्री के साथ साथ धर्मार्थ कार्य मंत्री में था, उन 27,000 ब्राह्मणों को रोजी रोटी से लगाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। आज ये लोग जो ढकोसला और जो झूठी अफवाहें और भ्रम पैदा करके आज लोगों को गुमराह किया था, आज हमें खुशी है कि आज से पहले गाजियाबाद और कल नोएडा में सैकड़ों की संख्या में, बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के प्रधान, वहाँ के जिला पंचायत सदस्य, वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के मेंबर्स, BDC सदस्य और तमाम ब्राह्मण संगठन के लोगों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया, समाजवादी पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त किया। और मैं बड़ी आज प्रसन्नता से कहना चाहता हूँ कि पूर्वांचल में तो आज समाजवादी पार्टी के साथ पूरा 80% प्रबुद्ध समाज के लोग आज समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं और ये स्वीकार कर रहे हैं कि 2022 में इस उत्तर प्रदेश के मुकद्दर को कोई ठीक कर सकता है, यहाँ विकास कोई ला सकता है और सभी समाज के लोगों को सम्मान कोई दे सकता है, तो वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव। देश सरकार सभी के लिए जाने जाने वाले मनोज पांडे जी हमारे बीच में हैं, आगे क्या रणनीति रहेगी ब्राह्मण हित की बात, जो ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, ब्राह्मण की हत्याएं हो रही है, इसमें आगे की रणनीति समाजवादी पार्टी की प्रबुद्ध सभा की क्या रहेगी आपकी? देखिए, समाजवादी पार्टी जहाँ जहाँ अन्याय हुई और चाहे जात वर्ग धर्म किसी के साथ हुई, समाजवादी पार्टी ने अन्याय की सदैव खलपत किया। ये काम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने किया, हमारे नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने किया और हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार अन्याय और अत्याचार का विरोध करते आए हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से मैं पार्टी का अधिकृत मुख्य प्रवक्ता होने के नाते और पार्टी के प्रमुख सभा के अध्यक्ष होने के नाते आज मैं दावे से कहता हूँ, समाजवादी पार्टी ब्राह्मण हितों की लड़ाई पहले भी लड़ी है और आगे भी जहाँ ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार होगा समाजवादी प्रमुख सभा लड़ाई लड़ेगी। और जहाँ तक सवाल है
कि आज कुछ लोगों को बड़ी पेट में बदहजमी हो गई है। जब समाजवादी पार्टी की प्रभु सभा ने ये कह दिया कि हम 75 जनपदों में भगवान परशुराम जी की मूर्ति लगाएंगे, तो कुछ लोगों को इससे बड़ी दिक्कत हो रही है। क्यों दिक्कत हो रही है? समाजवादी पार्टी ने सभी जात वर्ग और धर्म के लोगों को सदैव सम्मान दिया। अब ब्राह्मणों का सवाल आया तो उनकी भी परशुराम जी की मूर्ति लगवाने का काम करेगी समाजवादी पार्टी। अच्छा, हाथरस की घटना को किस तरीके से देखते हैं? हाथरस की घटना किसी एक जात वर्ग और धर्म के साथ नहीं है। मृतका बेटी हम सब की बेटी थी, इस देश की बेटी थी, इस प्रदेश की बेटी थी, और सरकार का जो एक कुरूप भयावह और मानवता विहीन जो चेहरा आज आया है, जो लोग हिंदू संस्कृति और सभ्यता का ठेका लेने की बात करते थे, उन्होंने जिस तरीके से एक हिंदू परिवार की बेटी का दाह संस्कार किया है, आज पूरे देश और प्रदेश का हिंदू ये समझ चुका है। हम लोगों के यहाँ दो कर्मकांड होते हैं, शास्त्र में भी पुराण में भी। उन दोनों कर्मकांड में जन्म पर भी कर्मकांड होता है और मृत्यु पर होता है। इस तरह बेटी को बिना हिंदू सभ्यता और संस्कृति का कर्मकांड किया गया, बेटी का तेल डाल के तिलक डाल करके आज पूरे देश में इस हिंदू पार्टी का हिंदू चेहरा साफ हो गया है कि जिसने हिंदू कर्मकांड को भी नहीं पूरा करने दिया उस बेटी के लिए, आज पूरा देश ये बात कर चुका है।